वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस, आप देख रहे हैं डायरेक्ट प्रपल चैनल को। आज हम आए चित्रोली। चित्रोली में आप सब नागपुर वासियों को पता ही होगा कि चित्रोली में क्या बनता है। चित्रोली भाई एक से बढ़कर एक कलाकार है, मूर्तिकार है। तो आज इसलिए हम आए कि गणपति उत्सव नज़दीक है। सितंबर 19 को गणपति बप्पा का आगमन हो रहा है अपने पूरे भारत में और विदेशों में भी बैठे हैं मूर्ति। तो यहाँ पे हम आए कि यहाँ पे आपको पूरा नज़ारा दिखाया जाए कि यहाँ पे गणपति बप्पा की मूर्ति कैसे कैसे बनती है। यहाँ देख सकते हैं आप छोटे से लेकर बड़े तक। और यहाँ पे बता दूँ आपको कि यहाँ पे नागपुर का राजा, हिल टॉप का राजा और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े गणपति हैं जो नागपुर में बनते हैं और चित्रोली में ही बनते हैं वो। नागपुर में एक ही ये चित्रोली ऐसा ये है कि यहाँ पे मूर्तियाँ बनती है गणपति बप्पा की, बड़ी बड़ी, छोटी भी मिलती है बड़ी भी मिलती है। तो अपने पूरे नागपुर में ये मूर्तियाँ सप्लाई होती है वो सिर्फ चित्रोली से ही होती है। तो आप देख सकते हैं वीडियो में कि यहाँ पे देख सकते हैं गणपति बप्पा की मूर्ति पेंट, किसी को भी पेंटिंग नहीं हुई है मूर्ति को अभी तक, क्योंकि सब मूर्ति ये लोग पहले बना बना के रखते हैं। जैसे त्यौहार आता है पहले बना के रखते हैं, फिर उसको पेंट वगैरह डेकोरेशन किया जाएगा, उसके बाद ये मूर्तियाँ बेचने के लिए रेडी हो जाती है। है ना, तो आप देख सकते हैं वीडियो में। और वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ जल्दी से शेयर कर दो वीडियो को, और नए हो चैनल को तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो आप देख सकते हैं कितनी सारी मूर्तियाँ यार, है ना। यहाँ पे ऊपर लिखा है रेणु का, देख सकते यहाँ पे गणपति बप्पा, ये कान्हा की भी मूर्तियाँ देखो छोटी छोटी, है ना, कान्हा की भी मूर्तियाँ है क्योंकि जन्माष्टमी अभी जस्ट गई है ना। कान्हा की भी मूर्तियाँ है, गणपति बप्पा की भी मूर्तियाँ देख सकते हैं। यहाँ पे कारीगर मूर्ति बना रहा है ना, यहाँ पे कान्हा की भी मूर्तियाँ है देख सकते हैं आप वीडियो में। और छोटे छोटे भी गणपति यहाँ पे देख सकते, कितनी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ सजाई है इस साल, है ना। शुद्ध माता की मूर्ति लिखा है ऊपर, देख सकते यहाँ पे शुद्ध माता की मूर्ति मिलेगी आपको। यहाँ पे कहीं भी मतलब पीओपी का काम नहीं है चित्रोली में, सब माटी की ही मूर्तियाँ मिलेंगी आपको। तो आप भरोसा करके यहाँ से मूर्तियाँ ले सकते हैं, ठीक है। और मैं सजेस्ट करूँगा कि पीओपी की मूर्तियाँ मत लीजिए इस साल भी, अगर आपको कोई दिखता है तो पुलिस में कंप्लेंट कीजिए कि पीओपी की मूर्तियाँ वो डाइजेस्ट नहीं होती है इसमें अपने पानी में, और वो पोल्यूशन भी बहुत करते हैं, तो इसलिए वो मूर्तियाँ मत लीजिए। कहीं भी आपको दिखता है तो पुलिस में कंप्लेंट कीजिए। और देख सकते हैं यहाँ पे बप्पा की मूर्ति, अच्छे बहुत प्यारे प्यारे, देख सकते हैं हाथ में धनुष लिए भी बप्पा की मूर्ति है, त्रिशूल लिए भी है, है ना। ये देख सकते हैं ये है हिल टॉप का राजा, इसकी ये मूर्ति है, हर साल बनती है। तो ये बनी हुई है मूर्ति पूरी, और इसको पेंट अभी भी बाकी है। तो जब ये पूरा बन के रेडी हो जाएगा तो बहुत सुंदर दिखने वाली मूर्ति है, बहुत सही दिखने वाली है। देख सकते हैं इसके नीचे मोर भी है, दोनों तरफ मोर है गणपति बप्पा के, बीच में गणेश जी है। बहुत सही लग रही है यार मूर्ति है, आपको कैसे लग रही है कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। और आप नागपुर के किस कोने से मेरा वीडियो देखते हो वो भी कमेंट कर दो। देखो भाई ऐसा लगता है यहाँ पे आ गए तो किसी मूर्ति के शहर में आ गए अपन, है ना। चित्रोली मतलब मूर्तियों का शहर है, एक छोटा सा तो गांव बोल सकते हैं अपन चित्रोली। यहाँ पे पूरी मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ आपको दिखेगी, इतना सब देख के आपने क्या बहुत अच्छा महसूस होता है एकदम, है ना।
सही में फीलिंग आती है, इतने सारे भक्तों ने इसकी पूरी मूर्तियाँ देख सकते हैं आप किस किस तरह से हैं। वीडियो पसंद आ रहा तो जल्दी से लाइक कर दो, चैनल का सब्सक्राइब कर दो। पूरा वीडियो एंड तक देखिए, बहुत मज़ा आने वाले इस वीडियो में। तो आगे किस टॉपिक की वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करके बताइए। नागपुर से कहाँ से आप वीडियो देखते हैं वो मुझे कमेंट करके बताइए। और ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते थे, 1K सब्सक्राइबर हो गए अपने पिछले साल। तो 2024 लगने से पहले पहले 2K सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए अपने। ऐसे सपोर्ट बनाए रखो भाई लोग।